अरे नहीं यार, हम लोग तो कॉमेडी सर्कस के आर्टिस्ट हैं, इतने महंगे लड्डू हमारी किस्मत में कहाँ। ये लड्डू तो खाएंगे रेमो सर के स्टूडेंट, लीजिए ताकतवर लड्डू है। रेमो यार मेरे प्यार में इतना पागल है ये बंदा, इतना पागल कि मुझे मिलने के लिए कॉमेडी सर्कस तक आ गए और इन्होंने मुझे मिलने के लिए फिल्म तक बना दी ABCD, ताकि ये फिल्म बनाए उसकी प्रमोशन के लिए कॉमेडी सर्कस में आए। सच कह दो आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो ना रेमो? हाँ बोल दो कि आज भी इधर फिर बीवी आई है, करते हो ना प्यार? सच यार ये सच्ची दीवाना है, कहीं ये मुझे स्टेज पे आके नेल्स वेल्स ना मारते, मैं चली जाती हूँ। कॉकरोच। मैं अपनी परफॉर्मेंस से खुश होकर यही कहना चाहूंगा, दिस इज इट। मैं आज सबको ये बता दूं, ये मेरा कोई अंदाज नहीं है, ये जब मैं स्ट्रगल के दिनों में रेलवे फाटक पे जॉब करता था, फाटक बंद कराने की, ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल, तो ये पुरानी यादें। खैर ABCD, मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन करने आया हूँ आज। आज मेरी फिल्म की प्रमोशन हर स्कूल में हो रही है, बच्चा बच्चा मैडम के सामने खड़ा होकर कह रहा है ABCD। जो बच्चा प्रमोशन ठीक नहीं करता मैडम उसको मुर्गा बना देती हैं। आज इतना आप लोगों ने अगर प्यार दिया, अगर दुआई की, तो ये फिल्म सुपर डुपर होगी, अगर नहीं भी दी तो हिट होनी होनी, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई जोरदार मेरी फिल्म के लिए ताली। मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में दो ही डांसरों का दिल से फैन हूँ, दूसरे नंबर पे प्रभुदेवा जी का और पहले नंबर पे सुदेश लहरी साहब का खुद, क्योंकि जो वो खुद करते हैं उनका भी एक अपना अंदाज है। और आपने सबने मेरा प्रोग्राम देखा होगा, गलत नाम तो कोई और है हम बोल नहीं सकते, उसमें ये अपनी आपके शो की बहुत सुपरहिट डांसर भारती सिंह आई थी, बहुत ही गलत डांस उसने किया था, स्टेप बिल्कुल खराब, और मुझे गुस्सा आ जाता फिर, लेकिन मैं कह सकता नहीं क्योंकि हमारा चल रहा था उस वक्त। लेकिन मैंने उसे कहा कि ये तुमने क्या किया, और आगे से मेरे सामने बहाने बनाती थी, वो आज ने मेरा गला खराब था, ये मेरे को बेवकूफ बना, डांस से गले का क्या लेना देना, अगर तेरा गला खराब था तो नमक गरारे करके डांस कर लेती, बेवकूफ बना रही तू, मेरे सामने तो वैसे भी कोई डांसर टिक नहीं सकता। अभी देखिए मैंने आना ही था, प्रभु देवा जी चले गए उठ के, क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अरे इतनी देर फ्री में यहाँ बैठना, कौन बैठेगा, वो तो पैसे लेते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं असल में फैन हूँ तो माधुरी दीक्षित जी का, आज वो मेरे सपनों में भी आती, मैं खुश हो जाता हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर नैनो, ओ गॉड, और फिर आप दवाई भूल गए, चलिए दवाई निकाले मैं बताती हूँ, ढाई गोली सुबह लई, ढाई गोली शाम लई, पानी घटक घटक जाए, गोली सरक सरक जाए, आपको दवाई भूलने के चक्कर में मैं देती हूँ परफेक्ट 8 नंबर। ढाई उंगली आँख में गई। क्या रेमो, मैं तुम्हारे और भारती के रिश्ते के लिए यहाँ पर आई हूँ, तुमने आते मुझे जख्मी कर दिया। खैर छोड़ो, रिश्ता भाड़ में गया, तुम डायरेक्टर बन गए हो। रेमो मैं भी चाहती हूँ श्रीदेव की तरह मैं कम बैक करूँ, अरे मुझे तो बहुत अच्छा डांस भी आता है, करके बताऊँ? डोला रे डोला रे डोला रे डोल मंडोला रे। क्या कर रही हो? अरे ऐसा डांस तो सरोज खां कर लेगी। अरे बिल्कुल प्रोफेशन के साथ कर रही हो, बिल्कुल रिदम में कर रही हो, बिल्कुल ताल में कर रही हो, घर में फ्री बैठना चाहती हो कि नहीं? अगर तुम चाहती हो ऑर्केस्ट्रा में जाऊं, 500 रुपए पेमेंट हो, घर के बैठ के टीवी पे सीरियल देखूं, फ्री बैठूं, चंकी पांडे मिलने आए, राहुल राय मिलने आए, एंजॉय करो, तो ये नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज रेमो तुम ही मुझे सिखाओ। I'm sorry, सिखाना पड़ता है। देखो सबसे पहले जब भी आप स्टेज पे आए हो जी, अपनी बॉडी में बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। हाँ। ठीक है, जब आपने घूमना तो ये पैर यूं रखो जी, ठीक है, फिर ऐसे घूमना। I'm sorry, जैसे मैं गिर गया हूं ना ऐसे गिरना नहीं, ठीक है। अच्छा, अच्छा। और सुनो, एक स्टेमिना पूरा रखो, नहीं तो फिर पानी पीना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। रेमो ये डांस बात छोड़ो, अच्छा मैंने सुना है कि तुम अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई है, लेकिन ये कैसा नाम रखा है ABCD? अरे नाम नहीं रखा, मैं अपने कमरे में ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था, ABCD इंग्लिश सीखनी पड़ती है ना, इस लाइन में रहना है, तो उन्होंने नाम रख दिया।
क्योंकि आजकल क्या होता है कि अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है ना तो थोड़ा सा बंदा पढ़ा लिखा लगता है, जैसे इसको इंग्लिश आती है, सर सॉरी, तो इससे क्या होता है कि बंदा बड़ा अच्छा। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी फिल्म का हीरो प्रभु देवा है। हाँ बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है, वो भी डायरेक्टर तुम भी डायरेक्टर, दो दो डायरेक्टर, फिल्म में ज्यादा झगड़ा नहीं हुआ? अरे झगड़ा कैसे होगा, हमारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता था, सारा दिन लड़ाई में लगे रहते थे, कभी वो मेरी बीड़ी पी गया, कभी मैं उसकी चाय पी गया, ऐसा कुछ कोई होता ही नहीं था। और वैसे भी उसको मैंने इसलिए लिया कि खुद एक बहुत अच्छा डायरेक्टर है, सीन अगर गलत भी हो गया अपने आप वो ठीक कर लेगा, नाम मेरा लग जाएगा कि मैंने बनाई है, ये चीजें होती है। मैं तो फ्री थी, मैंने जजमेंट कर ली, तुम्हारे पास इतना काम था, तुमने जजमेंट क्यों की? अरे मैं जज इसलिए बना कि कोई भी कंटेस्टेंट उठ के ये नहीं कह सकता हमें नहीं आता तो तू करके दिखा। उनको लगता है कि अगर जज बना है तो इसको आता ही होगा। जैसे इनको लगता है कि इनको कॉमेडी आती होगी तो ये चीजें बनी रहती है। अच्छा मैंने सुना है कि आजकल एक डांस शो में वो जो साजिद खान है ना, वो भी कहीं पे जज बनी बैठी है। बनी नहीं, बना बैठा है। मुझे क्या पता, मुझे तो फराह भाई बोल रहा था। ये वाकई वो जज बन गया? अरे बन गया जज। अरे मैं तुम्हें सही बताऊं, जिस दिन उसको मैंने पहले दिन देखा था ना, मैं कहा ये लड़के को कोई नॉलेज नहीं, एक दिन जरूर जज बनेगा। मेरे को पता था। अरे भाई एक मिनट। हां डॉक्टर नैनो, सर दर्द की तो फिर से मेरे पर्स में आ गई, मेरा पर्स लेके क्यों जाते हो आप हॉस्पिटल? हां मैं अभी डॉक्टर की दवाई देके आती हूं। अरे अरे काले, हेलो आग्नेश आचार्य जी कैसे हैं? नहीं मोटे हैं सबको पता है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। अरे भैया वैसे तबीयत कैसी है, इंजॉय? कहाँ, क्या बात कर रहे हो, गांव में? वो जो पुराना ड्राइवर था उसका दादा गया? ओ माय गॉड यार, ये तो बड़ा दुख वाली बात है, बहुत दुख लगा यार। टांगे टांगे भी गई? ओ हो हो, नहीं सीधी सी बात करो, देखो मेरे को ऐसे घुमा मत, जो भी बात करनी सीधी करो। अच्छा यार सुनो, अभी बंद करो यार, मैं डांस की प्रैक्टिस कर लूँ। ओके भाई, डांस की प्रैक्टिस तो होगी। भारती का फोन, भैंस। हेलो कैसे हो? अच्छा हूँ। तुम्हें मेरी याद नहीं आई, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, नए साल पे तुम्हें मुझे बिल्कुल भी फोन नहीं किया। अरे यार क्या करता, बस इतना बिजी था, कोई बात नहीं मैं अभी कर देता हूँ। एक मिनट, हैप्पी न्यू ईयर बोलना था, बोला नहीं। बोलो ना। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी न्यू ईयर के साथ आवाज कैसी आ रही थी? अबे वो मैं फ्लाइंग किस कर रहा था डार्लिंग। ओ हाउ स्वीट, मैं भी तुम्हें किस करना चाहती हूँ रेमो। एक मिनट रुको। ए, ये फोन में मिट्टी क्यों आ रही है? अब तुम्हारी सेह से तुम्हारी किस हुई, मेरी सेह से मेरा किस्सा हुआ ना। मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम उसे इतना प्यार करते थे तो उस डांस शो में मुझे 8-8 नंबर क्यों देते थे? ओह माय गॉड, अच्छा ये सोचती है। अरे पागल देख इधर, तुम्हें पता है प्यार में ऐसी शंका आती है। अभी जैसे कॉमेडी सर्कस देखती है, अर्चना कपिल को नंबर ज्यादा देती है, बनते सुदेश के हैं, तो लोगों को पता चल गया ना उनके चक्कर का, इसीलिए नहीं देता। अभी यहाँ पे कई लड़कियाँ ऐसी हैं जो पता नहीं चलने देती अपने प्रेम का, जैसे श्रुति, आज तक पता चलने दिया कि इनके साथ उनका चक्कर है। ये होता है प्यार। लेकिन हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? हनीमून? हाँ। हमारी तो शादी नहीं हुई। हमारी शादी हो चुकी है। कहाँ पे? अरे याद करो उस दिन लोखंड वाला सर्कल पे, तुम्हारा पर्स छीन के मैं भागी थी ना सर्कल पे, और तुम मेरे पीछे पीछे भागे थे, वहीं पर हमारे साथ फेरे हो गए थे। बेवकूफ बना रही, शादी होती है फेरों के साथ साथ, बीच में अग्नि भी होती है। अरे अग्नि भी थी ना बीच में। कैसे? अरे वो सिद्धार्थ ज्यादा बीड़ी नहीं पी रहा था बीच में बैठ के। आज के बाद ऐसी घटिया हरकत तुम कभी नहीं करोगी, तुम तो जानती हो और सब जानते हैं, मेरे घर पे मेरी एक खूबसूरत बीवी है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जब तक वो है मुझे क्या जरूरत है। हाँ 3-4 दिन के लिए उनको कहीं भेजते हैं, फिर तुम आ जाना। सच? रामू मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपनी बाहों में भरो और वही गाना बोलो, हथनी दबो तितली दबो चली मैंने।